वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ स्टैंडर्ड 9 केमिस्ट्री एंड टुडेज टॉपिक इज बोस आइंस्टीन कंडेंस दैट इज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. ओके सो वी स्टार्ट विद द टॉपिक. डू यू नो अबाउट द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिफ्थ स्टेज? आप देखो समझो बात को. हमने आपको ये बताया, शायद याद होगा, सॉलिड. फिर आपको हमने समझाया लिक्विड. फिर हमने आपको बताया गैस. ठीक है, फिर हमने बताया ये गैस को एक्सट्रीमली हीट करें और टेम्परेचर, हमने आपको बताया कि टेम्परेचर 10^7 केल्विन इतना पे हीट करें. क्लियर? तब ये चेंज होता है. मतलब चेंज क्या होता है? ये आयोनाइज होता है. क्लियर? उसी को हम लोग, उस स्टेज को फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. इज इट क्लियर? जो कि अर्थ पे इतना टेम्परेचर क्रिएट करना इम्पॉसिबल है. क्लियर है? तो हम लोग इसके बाद इसको अगर ये बनाना हो तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराते थे, याद होगा, गैस से. खैर वो हम लोग पढ़ चुके थे. अब नेक्स्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंस. ये क्या है? आप बोस आइंस्टीन कंडेंस क्या है आप समझिए. हुआ क्या, समझिए कि सत्येंद्र नाथ बोस साइंटिस्ट थे, रिसर्च कर रहे थे. उनके रिसर्च को स्टडी किया आइंस्टीन. उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये एक ऐसा संभावना प्रेडिक्ट किया कि एक और स्टेज हो सकता है मैटर का. फिर से समझिए बात को. आइंस्टीन ने, मिस्टर आइंस्टीन जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने क्लियर है बोस, सत्येंद्र नाथ बोस के रिसर्च को स्टडी किया, जो जिसमें सत्येंद्र नाथ बोस ने एक कैलकुलेशन किया था. ठीक है, वो कैलकुलेशन के जो रिसर्च हुआ उसके उसके बारे में स्टडी करके आइंस्टीन क्लियर है नया स्टेज के बारे में, मतलब फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर के बारे में प्रेडिक्ट किया कि ऐसा हो सकता है. क्लियर है? और प्रेडिक्ट क्या किया वो हम आपको समझाते हैं. प्रेडिक्ट क्या किया कि गैसियस मॉलिक्यूल्स को, क्लियर है, या कोई ऐसा लो डेंसिटी ले लें, क्लियर है, ऐसे मॉलिक्यूल्स लें जिसका डेंसिटी एयर के डेंसिटी से बहुत बहुत ज्यादा कम हो, क्लियर है, और उसको -270 डिग्री या 273 डिग्री सी पे ले जाएं. क्लियर है? तब एक नया स्टेज बनता है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंस. नहीं समझे? फिर से समझिए कि एक ऐसा ले सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स जिसका डेंसिटी एयर के डेंसिटी से बहुत ज्यादा कम हो. कितना हो अभी हम आपको नोट करके बताएंगे, लिख करके समझाएंगे. बहुत ज्यादा डेंसिटी लो हो, क्लियर है, और उसको एक्सट्रीमली मतलब सुपर कूल टेम्परेचर पर ले जाया जाए, मीन्स -273 डिग्री सी, क्लियर है, तब वहां एक नया स्टेज का कल्पना, नया स्टेज के बारे में आप सोच सकते हैं या होता है या एग्जिस्ट करता है, जिसको आप बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंस. क्लियर है? अब हम लोग डेफिनेशन इसको नोट करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे. बताया आपको. सो हम डेफिनेशन लिखते हैं, आप उसको ध्यान रखिए. सत्येंद्र नाथ बोस डिड सम कैलकुलेशन फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. लेटर ऑन इट इज एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर आइंस्टीन. इज इट क्लियर? Which is known as Bose-Einstein condense. On the basis of these calculation, Einstein predicted
प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर विच इज नोन एज BEC Bose-Einstein condenser. Write down first. सत्येंद्रनाथ बोस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया कि एक और स्टेज पाया जा सकता है. जैसे आपने सुना था ना कि ऐसा देखा भी प्लाज्मा में कि उसको हीट किया तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर इसको हीट करने के बजाय कूल कर दिया जाए तो भी कोई हो सकता है. और उन्हीं के बेसिस पे आइंस्टीन उनके रिसर्च को आइंस्टीन बेस मान करके उसको फिर से इन्होंने स्टडी किया और ये बोला कि जब हीट करने पे एक एग्जिस्ट किया जा सकता है तो उसको कूल करने पे भी एक मैटर पाया जा सकता है जिसको हम लोग उन्हीं के नाम पे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंस. कंडेंस का मतलब ठंडा करना. आई बस में नोट डाउन डेफिनेशन. और उन्होंने बताया कि ये गैस ये स्टेज बनेगा कैसे कि किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स को इन्होंने आइंस्टीन ने बताया इनके रिसर्च के बेसिस पे कि किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स को जिसका डेंसिटी नॉर्मल एयर के डेंसिटी से बहुत ज्यादा कम हो तो है और उसको लो टेम्परेचर पे एक्सट्रीमली लो मतलब अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे हिट करेंगे ले जाएंगे जिसको हम लोग बता रहे हैं -273°C तब वो एक नया स्टेज बनेगा जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंस. इज इट क्लियर? सो राइट डाउन डेफिनेशन. इट इज obtained it is obtained by cooling by cooling a gas of extremely low density और जिसका बात कर रहे थे कि डेंसिटी होता है वन बाय अबाउट में लिख लें लगभग अबाउट वन बाय देन नॉर्मल एयर टू अल्ट्रा लो टेम्परेचर अबाउट जो ये अल्ट्रा लो बोल रहे हैं अबाउट -273°C जिसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं. हो गया बात क्लियर है? ओके. दिस इज ऑल अबाउट बोस आइंस्टीन कंडेंस. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके. राइट डाउन फर्स्ट देन आई विल एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके. कंप्लीटेड. गुड. नेक्स्ट टॉपिक इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. इज इट क्लियर? इवेपोरेशन हमने आपको समझा दिया है. अब ये दोनों में डिफरेंस समझते हैं. अब दो चीज समझ लीजिए. बॉइलिंग क्लियर है और इवेपोरेशन तो आप समझते हैं और एक बॉइलिंग पॉइंट आपको समझाना है. क्लियर है? जनरली जो हम लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो बोलते हैं कोई ऐसा पॉइंट या टेम्परेचर, कोई ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे. क्लियर? उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. ये करेक्ट डेफिनेशन उतना नहीं है, इसको दूसरे टर्म में समझिए कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पे वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. इज इट क्लियर? द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट. इज इट क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. तो हम आपको पहले ट्रिक से समझा दें कि ये दोनों को याद रखने का ट्रिक क्या है, लर्निंग ट्रिक. ठीक है? तो वो है TPCW. ठीक है? ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखिए. इसका मीनिंग क्या है आप समझिए अच्छे से. ट्रिक का देखिए, टाइम पास, इसके सी का मतलब क्लास वर्क,
आप भी क्लास वर्क को टाइम पास में ही लेते हैं, क्लियर है? तो ये ट्रिक है, टाइम पास क्लास वर्क को टाइम पास में लेना है जो जैसा आप लेते हैं, क्लियर है? ऐसा करना नहीं है, ये ट्रिक है, इससे याद रखना है। आई बात समझ में? अब हम आपको टी का मतलब समझते हैं, समझाते हैं। टी मीन्स टेम्परेचर, टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर। पी का मतलब फेनोमेना, फेनोमेनन या फेनोमेना, ठीक है? राइट डाउन फर्स्ट। टी मीन्स टेम्परेचर, पी मीन्स फेनोमेना, सी मीन्स कूलिंग, ठीक है? और डब्ल्यू का मतलब है विस, इस तो आप जानते ही ओके। तो अब ये चार पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम लोग इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस पता करेंगे। आई बात समझ में? तो टी मीन्स टाइम, पी मीन्स फेनोमेना, सी मीन्स कूलिंग और डब्ल्यू मीन्स विस। इज इट क्लियर? ओके, राइट नोट डाउन फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंसेस। ओके, सो देखिए, इस साइड हमने बॉइलिंग लिखा और उस साइड इवेपोरेशन। अब आप पहले पॉइंट से समझ लीजिए, फिर आपको लिखवा देते हैं, ठीक है? नोट कर लेंगे हम लोग डिफिनेशन को। बॉइलिंग जो है वो किसी भी लिक्विड का हो सकता है, नोट अच्छे से समझिए। बॉइलिंग अकर इन ऑल लिक्विड, इज इट क्लियर? बट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, इज इट क्लियर? बॉइलिंग अकर्स और टेक प्लेस इन एनी लिक्विड, इज इट क्लियर? एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, इज इट क्लियर? बॉइलिंग ऑलवेज टेक एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, इज इट क्लियर? इन एनी लिक्विड दैट पॉइंट दैट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज वट? बॉइलिंग पॉइंट, इज इट क्लियर? इन द केस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑल्सो टेक और अकर इन ऑल लिक्विड बट इट टेक बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज इट क्लियर? इवेपोरेशन ऑलवेज टेक एट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज इट क्लियर? दिस टेक प्लेस एट इट्स बॉइलिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इट टेक प्लेस एट लेस देन और बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट, इज इट क्लियर? सेकेंड, दिस इज द पॉइंट फॉर टेम्परेचर। सेकेंड, दैट इज फेनोमेना। बॉइलिंग जो होता है वो बल्क प्रोसेस होता है। आप बल्क का मतलब समझते हैं? स्पंज ले लीजिए, क्लियर है? स्पंज को उसके ये में डालिए, जूस क्या बोलते हैं उसको, चीनी के ये में, हाँ, रस में, क्लियर है? उसमें डाल दीजिए सॉल्यूशन में। तो आप ऐसा डालेंगे तो देखेंगे तो क्या होता है कि आप ऐसा देखें कभी कि स्पंज के ऊपर लिक्विड लगा रहे, ऐसा नहीं है, बॉडी के अंदर चला जाता है। आई बात समझे? तो जो बॉडी के अंदर मतलब पूरे बॉडी में चला जाए उसको बोलते हैं बल्क, और सिर्फ अपर में रह जाए उसको बोलते हैं सरफेस। आई बात समझे? जैसे मास्क का एग्जांपल बता रहे थे, मास्क लगाई तो जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं अपर लेयर पर रह जाते हैं, क्लियर है? लेकिन स्पंज को पानी में डालिए तो पूरा पानी अंदर चला जाता है। तो स्पंज वाले केस को बोलते हैं बल्क प्रोसेस, और इसको जो सरफेस पर रहता है उसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेना। तो आपको बताया था कि बॉइलिंग में बल्क प्रोसेस होता है, मतलब पूरा अंदर तक, ऐसा पानी गर्म करिए तो पूरा अंदर से खोलता है ना। और इवेपोरेशन में बताया था कि अपर लेयर चेंज होता है सिर्फ, अपर पार्टिकल्स। तो ये सरफेस फेनोमेना है और ये बल्क फेनोमेना, ये सरफेस है और ये बल्क। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट जो था अपना कूलिंग, क्लियर है? यहां जब बॉइलिंग कर रहे हैं तो कूलिंग का कोई चांस नहीं बनता है, कूलिंग नहीं होगा, जबकि इवेपोरेशन ऑलवेज काउज कूलिंग। जैसे इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझे? क्लियर है? और थर्ड पॉइंट था विस, डब्ल्यू। जब आप हीट करेंगे, क्लियर है? जब आप हीट करेंगे तभी बॉइलिंग होगा, इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है, ये कहीं पे भी हो जाता है, क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब हम आपको नोट कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा, इज इट क्लियर? देखिए, बॉइलिंग हमने बताया कि ये किसी भी लिक्विड में हो सकता है। बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड में होगा स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ये नोट करने वाली बात है। स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं डीपी, ठीक है? ये जो है इट टेक प्लेस ऑन इट्स ऑन, बताया इसका अपना है, ऑलवेज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। इट इज अ बल्क प्रोसेस, बल्क बता दिया आपको, बॉडी के इनसाइड, टोटल बॉडी पे। एंड इट इज सरफेस फेनोमेना, इट टेक प्लेस ऑन द अपर लेयर ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग में कोई कूलिंग नहीं होता है, देर इज नो कूलिंग, इज इट क्लियर? बट देर इज नो कूलिंग बट ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑलवेज कूलिंग है ना, कूलिंग, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, वी हैव स्टडी इन लास्ट क्लास।
इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इज टेक प्लेस एट इट्स ऑन, मतलब इसको हीट की उतनी कोई जरूरत है नहीं. बॉइलिंग ऑलवेज अकर व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब हीट करेंगे तब होगा, उसकी कोई जरूरत है नहीं. ओके, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय.